स्वागत ही काय करती है? स्वागत करती है का? एक आम आदमी किसी खास का स्वागत नहीं कर सकता। हाँ क्यों नहीं कर सकता है? इकड़े बगा हिलो मत राया। राया मत कहो, मैं तुझे राय नहीं है अभी तक। अरे देवा तुम्हें तो चोट पहुंची है। कुछ खास नहीं। जब कोई वीर योद्धा रणभूमि से लौटता है तो वो अपने घावों और मन में उठे भावों को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कैसे छिपा सकता है जिसकी आंखें उसे आर पार देख सकती हैं। आजी कशी है? सदाशी मैं महाद्वार तक नहीं आ सकी, मेरी तबीयत। कोई बात नहीं आजी, नमस्कार करता हूँ। जीते रहो, दीर्घायु भव। ये संभालो, हम जीत गए आजी, हम विजयी हुए, निजामशाही संभली। मुझे विश्वास था आज तक तुम कभी हार के वापस नहीं आए। भानो। जी आजी साहेब। वैद्य को बुलाओ। जी आजी साहेब। आजी तुम्हारे पिताजी कहा करते थे, सूरमा वही है बड़े जो हर हाल में लड़े, सर हथेली पर लेकर चले। धर्म उनका है वीरता, कर्म उनका है वीरता, जीत या हार होगी ये सोचते नहीं। सही कहते थे। प्रणाम आजी साहेब। आजी मैं ये तू। अरे मरहम पट्टी करवाए बिना मत जाना। तुझे पार्वती याद है? अब ये छोटी राजवैद बन गई है, अपने पिता से भी आगे। आपको इस महान जीत की बधाई। आओ साहेब, एक लड़की वैद्य नहीं बन सकती, ऐसा कोई कायदा है का? भाई नहीं, बिल्कुल बन सकती है, लेकिन जब हम पिछली बार मिले थे तभी तो नहीं थी। पिछली बार हम 2 साल 3 महीने और 18 दिन पहले मिले थे। आते हैं अरे जल्दी करो, इसे गणेश दरबार में हाजिर होना है। हो आजी साहब। चालो भाव साहब, आपको दिन में 2 बार पट्टी कराने आना पड़ेगा मेरे पास। भानु में दिखाए गए शौर्य के लिए पेशवा के भाई श्रीमंत रघुनाथ राव का अभिनंदन करती है। और अब सम्मानित किया जाता है स्वर्गीय श्रीमंत बाजीराव और मस्तानी के पुत्र और पेशवा के भाई शमशेर बहादुर। युद्ध में दिखाई गई शूरता के लिए पेशवा के चचेरे भाई श्रीमंत सदाशिवराव भाऊ का अभिनंदन किया जाता है। आप तो हमारे गले के हार हैं। काका ये आपके लिए। विश्वास
श्रीमंत, अब मैं पेश करना चाहूंगा निजाम शाही के सिपे सलार तोपखाना सदर इब्राहिम खान गार्दी को, जो आज से पेशवाओं की सेवा में आ गए हैं। श्रीमंत, मैंने 30 साल तक निजाम की खिदमत की और कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। अब जब निजाम शाही नहीं बची तो मैं इब्राहिम खान गार्दी पेशवा सल्तनत के लिए अपनी वफादारी की कसम खाता हूं। इन्होंने वो काम करके दिखाया है जो हम में से कोई पेशवा नहीं कर पाया। दक्षिण को मुक्त करना हमारे प्यारे छत्रपति शिवाजी महाराज का अधूरा सपना था। उनके गुजर जाने के 80 साल बाद आज हम निजाम को घुटनों पर ले आए। पिताश्री, इसी खुशी में क्या एक महोत्सव नहीं होना चाहिए? अब हम पूरे हिंदुस्तान के शासक बन गए हैं, बेशक महोत्सव होना चाहिए। राज, एकांत। जी भाई साहब। राया, शस्त्र पूजन के समय आपने पेशवा तलवार सदाशिव को क्यों दी? वो ऐसा करने की क्या जरूरत थी? आप सदाशिव को इतना मान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसी ने तो निजाम शाही को जड़ से मिटाया है। तुम्हें परेशानी क्या है? अपने आप को पेशवा समझने लगा है वो। उदगिरी में एक मुसलमान सरदार को राघोबा की सहमति के बिना ही भर्ती कर लिया उसने। वो मुसलमान सरदार हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ तोपची है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में मुसलमान भी थे। राया, राया, आप बात को समझ ही नहीं रहे हैं। आज सदाशिव ने राघोबा की बात नहीं मानी, कल वो आपकी भी अनसुनी कर सकता है। आप बात समझ नहीं रही हैं। सदाशिव का हर कदम हमेशा मराठा साम्राज्य के हित में ही रहा है। ईश्वर न करे अगर आपको कुछ हो गया और वो मराठा साम्राज्य के हित में स्वयं पेशवा बन बैठा, तब क्या होगा हमारी विश्वास का? हाँ, राघोबा पहले ही मेरे जी का जंजाल है और अब सदाशिव। मुझे पूरा भरोसा है उसकी निष्ठा पर। तुम्हारे बेटे पर वो अपनी जान छिड़कता है और विश्वास भी उसे उतना ही प्यार करता है। विश्वास तो बच्चा है, पर आपके भोलेपन पे मुझे आश्चर्य हो रहा है। तो क्या चाहते हैं आप? क्या करूं? ये भी मैं बताऊं, पेशवा आप हैं कि मैं? इतने युद्धों के कर्ज का भार हमारे साम्राज्य को आर्थिक संकट में डाल रहा है। जी, सो तो है। तुम बुद्धिमान हो, विश्वसनीय हो और लोगों से काम लेना जानते हो। ये तुम ही कर सकते हो। मुझे करना क्या होगा ये तो बताइए श्रीमंत। मैं तुम्हें धन मंत्री तैनात करता हूं। धन मंत्री? और मेरा काम कौन करेगा? वो ये अच्छा सुझाव है राया। आपके इस निर्णय से सदाशिव यहीं पुणे में रहेंगे और फिर राजधानी की सुरक्षा के लिए एक बलशाली योद्धा चाहिए। राघोबा भी तो है। एक से भले दो। गुनो जी आपको सारी जानकारी दे देंगे। जब निर्णय लिया ही जा चुका श्रीमंत, तो मैं आज्ञा का पालन करूंगा। ये तो अच्छा हुआ, अब मैं आपसे युद्ध कौशल भी सीख पाऊंगा और आप 1500 सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं ये भी सीखूंगा। मी येते।
फेरे लेने के बाद मैं पहुंच ही गई तुम तक। सुना है तुम्हें धनवंतरी बना दिया। पर सालो, मेरा मन कहता है कि तुम ये काम भी निपुणता से करोगे। खरसंगो, मुझे तो बड़ा ही सुकून मिला जब सुनो युद्ध में है जी। अब कम से कम तुम यहां तो दिखोगे। वो कहते हैं ना, आप एक योद्धा को उसकी तलवार से अलग नहीं कर सकते। ये मुझसे बेहतर कौन जानता है। तुम ये जो कोशिशें कर रही हो ना पार्वती, मत करो। सात नहीं भले 70 सीढ़ियां चढ़कर तुम उस तक पहुंचो, मेरे जीवन में सात फेरे नहीं है। समझत कसा नहीं तुला। समझा अच्छा का है? अब डोर तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैंने बहुत तपस्या की है। कणेश्वरी देवी के 108 उपवास रखे हैं मैंने, माहिती है। अब मैं तुम्हें कहीं और जाने नहीं दूंगी। देखना, तुम मेरे हो जाओगे, वो दिन दूर नहीं। ताखा खाओ पर आयला लगला है। अब क्या तभी मिलोगे जब अगला खाओ लगेगा। हार जला पार्वती आता भास्कर। पार्वती, 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 वो पार्वती सदाशिव के साथ। लगता है एक मामूली राज्य वैद्य पेशवा की रानी बनने के सपने बुन रही है। होएगा, मेरे रहते नहीं हो पाएगा।